वेलकम बैक एवरीवन। आज इस अपने वीडियो में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने वाले हैं जिसको आपको पता ही होना चाहिए। एक्चुअली ये एक लर्निंग वीडियो है, तो अगर आप लर्निंग पर फोकस करना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखें। आज आप सीखने वाले हो कि ट्रेडिंग में ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं, और एक बहुत जरूरी बात ब्रेकआउट से रिलेटेड ही है, वो मैं आपको आगे वीडियो में ही बताऊंगा। अगर अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव करके रख लें, जब फ्री टाइम हो तो बाद में देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने के ब्रेकआउट्स होते हैं। सो बेसिकली ब्रेकआउट्स दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट होता है, सेकंड होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। लेकिन इसमें थर्ड पॉइंट भी मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि कई लोग कवर अप नहीं करते हैं, बट जो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और रिवर्सल ब्रेकआउट के बारे में जानते हो, लेकिन जो मैं थर्ड पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो अगर आपको नहीं पता होगा डेफिनेटली काफी चांसेस है कि आप लॉस कर दोगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्रेकआउट होता क्या। देखो, ब्रेकआउट से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज का ब्रेक होना। तो मार्केट में जब भी हमारा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो हम उसको जनरली कॉल करते हैं कि वो ब्रेकआउट हो गया। यहां पर जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ये एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का पैटर्न है। ठीक है, कंटिन्यूएशन कैसे, नेक्स्ट इमेज पर देखो क्या हुआ। यहां पे फाइनली सेलर्स ने जो है प्रेशराइज किया मार्केट को और ब्रेक कर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा, तो यहां पर जितने भी ट्रेडर बैठे थे, बायर सेलर्स जितने लोग भी बैठे थे, ये लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि देख रहे हो ये जो हमारा लेवल है फिलहाल यहां से यहां तक का, ये पूरा ये हमारा कंसोलिडेशन जोन की तरीके से वर्क कर रहा था। यहां से जैसे ही सेलर्स डोमिनेंट होते हैं तुरंत का तुरंत देख सकते हो हमारा मार्केट नीचे गिर जाता है। उसका रीजन क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट फिलहाल बना है इसको हम यहां पर कॉल आउट करेंगे कि एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट था। ठीक है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट कैसे, इसको बहुत ही आसान शब्द में बता देता हूं। कंटिन्यूएशन से क्या पता चल रहा है कि मार्केट वहां पर कंटिन्यू कर रहा है। अभी क्या था, हमारे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, अब यहीं से हमारा ब्रेकआउट का यहां पर पैटर्न बनना चालू हो चुका। उसके बाद में अगर मार्केट सीधे उसी डायरेक्शन में ब्रेक करता है जिस डायरेक्शन में वो चलता हुआ आ रहा था, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है, इट मीन द ब्रेकआउट वॉज कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। तो आई होप सो कि आपको कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट के बारे में कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। इसके ऊपर ट्रेड्स कैसे लेना है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करेंगे। भी डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट का सेकंड टाइप। यहां पर देखो ब्रेकआउट का जो सेकंड टाइप है यानी रिवर्सल ब्रेकआउट, यहां पर होता क्या है कि रिवर्सल ब्रेकआउट की भी कंडीशन जो शुरुआत में रहती है वो सेम एज इट इज जो है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट की तरीके से होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सल। तो यहां पर देखो होता क्या है कि डाउन ट्रेंड हमारा चलता है। ठीक है, उसके बाद में कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट चला जाता है। ठीक है, इंडिसीजन मार्केट हो जाता है। इंडिसीजन जब हो जाता है तो आप लोगों को उसी हिसाब से यहां पर अपने जोन्स को ड्रॉ कर लेना है जिस बाउंड्री के बीच में मार्केट बार बार घूम रहा है। ठीक है, वो जब घूमता है तो उसमें आपको वॉच करना है, आपको देखना है कि वो मार्केट कहां से ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहां पर रिवर्सल ब्रेकआउट है, तो रिवर्सल ब्रेकआउट का मतलब है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्स, मतलब यहां पर देख रहे हो मार्केट डाउन हमारा चल रहा था, कंसोलिडेशन के बाद में हमारा मार्केट अप से ब्रेक होता है। ठीक है, तो यानी रिवर्स हो रहा है, मार्केट का मूवमेंट क्या था वो डाउन का था लेकिन कट कहां से हुआ है, वो अपवर्ड डायरेक्शन की हुआ, तो इसको बस हम कह देते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। लेकिन वहीं अगर ये नीचे से ब्रेकआउट कर देता तो होता क्या कि हमारा ट्रेंड भी डाउन था और मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद में फिर से डाउन के लिए ही उसने कंटिन्यू रखा है, तो हम यहां पर उसको कहते हैं कि कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हो चुका है। ये वाइस वर्सा होता है अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेंड के लिए भी, मतलब कि अगर एक अप ट्रेंड चलता है कि बाद में अगर वो कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से अगर वो ऊपर में चला जाता है, तो ये भी जो हमारा ये पैटर्न है पर्टिकुलर, इसको भी हम एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट ही कहेंगे। मैटर ये करता है कि जब आपको ट्रेड ओपन करना है तो आपको इस कंसोलिडेशन जोन को ड्रॉ करके रखना है, और जब भी मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन के पास में किसी भी लेवल से ब्रेक करता है तब आपको वहां पर ट्रेड्स ओपन करनी होती है। बताता हूं कि ब्रेकआउट का जो मेरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सभी लोगों को बताना, उसको जरूर ध्यान में रखना, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पर स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे कि यहां पर ठीक ठाक तरीके से एक अप ट्रेंड चलता है, मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी यहां पर बात आ जाती है कि फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। जी हां, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट जब हो तो वहां पर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा भी देखा गया है कि कंसोलिडेशंस में मार्केट जो है फेक ब्रेकआउट्स भी करता है, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। जिन लोगों को पता है वॉल्यूम के बारे में तो वो लोग ब्रेकआउट के टाइम में ये जरूर देख लें कि कैसे वहां पर वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम एक बढ़िया है तो वहां पर
पर आप जा सकते हो, वानी वो एक ट्रू ब्रेकआउट है। ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी भी जरूर यूज करें, अपने कैंडल साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखें कि वहां पर कैंडल साइकोलॉजी क्या कह रही है। अगर आपको लगता है कि कैंडल साइकोलॉजी वॉल्यूम सभी उस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहे हैं, तब आप उस ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, जो लोग भी बिगिनर है जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वॉल्यूम क्या है, कैंडल साइकोलॉजी क्या है, ब्रेकआउट्स पर कैसे ट्रेडिंग करना है, नीचे कमेंट करके बताओ जा करके। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही दिखाऊंगा। ब्रेकआउट्स पर ट्रेडिंग करना बहुत ही इजी होता है, बस वहां पर आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, एक होता है कैंडल साइकोलॉजी, सेकंड होता है वॉल्यूम। आज इस वीडियो में हमने क्लियर कर लिया है कि ब्रेकआउट क्या होते हैं। ब्रेकआउट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। जो भी कैंडल साइकोलॉजी में कंफ्यूजन है उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैंडल साइकोलॉजी पैटर्न्स का, वहां से जाकर के अपने कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो आप। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।